हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री में चैप्टर 03 का लेसन 6 करने वाले हैं, जिसके अंदर में हम बात करेंगे पारंपरिक चीनी इतिहास लेखन के बारे में। चीन के अंदर में इतिहास किस तरीके से लिखा जाता था, इतिहास लिखने की विधि किस प्रकार की थी, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये पार्ट वन का रहने वाला है, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कन्फ्यूशियसवाद प्राचीन इतिहास लेखन के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। कन्फ्यूशियसवाद, अगर विचारधारा के अगर हम बारे में बात करें, तो एक विचारधारा थी जो कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक चीन के अंदर में, जो एक राजनीतिक के तौर पे, शिक्षक के तौर पे भी चीन के अंदर में कार्य करते थे, उनके द्वारा ये विचारधारा विकसित की गई और इन्हीं के नाम पर कन्फ्यूशियसवाद इस विचारधारा का नाम पड़ा। अगर आप देखोगे कि ये विचारधारा का जन्म किस प्रकार से हुआ, तो सामाजिक, दार्शनिक और राजनीतिक विचारों के आधारित एक धर्म के तौर पर इसका जन्म होता है। ये कोई धर्म नहीं है, पर लोग इसको इतना ज्यादा मानते, इतना ज्यादा बिलीव इसके अंदर में करते हैं कि धर्म के तौर पर इसको ट्रीट किया जाता है, पर कोई ये धर्म नहीं है। कन्फ्यूशियस का अगर आप जन्म की बात करें, तो ईसा से 500 साल पहले, जो ईसा मसीह थे उनसे 500 साल पहले कन्फ्यूशियस का जन्म माना जाता है। ठीक है, कन्फ्यूशियसवाद के अंदर में सदा व्यवहार, सदाचार और शिष्टाचार के नियमों पर बल दिया जाता है कि हमें हमेशा अच्छा व्यवहार करना है, सदाचार रहना है। ठीक है, जो शिष्टाचार के नियम होते हैं ना, एक अच्छा तरीके से बिहेवियर होना चाहिए, उसके नियमों पर बल दिया जाता है कि हमें इस तरीके से सदा आचरण करके हमें अपना आगे बढ़ना है। कन्फ्यूशियस ने चीन के समाज के अंदर में जो फैली कुरीतियां थी ना, जो बुराइयां थी, उसके बारे में बात किया, उसको दूर करने का प्रयास किया कि किस तरीके से बुराइयां हमारे समाज को खा जाती हैं, किस तरह से हमारे समाज को नष्ट कर देती है और बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी रखी। इसी को हम कन्फ्यूशियसवाद के तौर पर लेके चलते हैं। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्य शिष्य जो भी इनके स्टूडेंट्स थे, शिष्य थे, उनको सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। हमेशा सत्य की बात कही, न्याय की बात कही, प्रेम की बात कही। सत्य, न्याय और प्रेम से ही आप किसी को भी जीत सकते हो, इसके बारे में वहां पे इनका आदेश था, संदेश था। ये सदाचार पर अधिक बल देते हैं, हमेशा हमें सदाचार का आचरण रखना चाहिए, इसके ऊपर में कन्फ्यूशियस के अंदर में बल दिया गया। जो लोग थे, लोगों के द्वारा विनयी, ठीक है, परोपकार और गुणी चरित्रवान बनने की प्रेरणा दी जाती है। हमेशा झुके हुए रहने का, परोपकारी बनने का, गुणी रहने का, चरित्रवान बने रहने की प्रेरणा दी गई कन्फ्यूशियस वाले विचारधारा के अंदर में। कन्फ्यूशियसवाद ने एक पारंपरिक इतिहास लेखन के जो कई सारे पहलू थे उसको प्रभावित किया। जो पहले से ही ट्रेडिशनली लिखा जाता था इतिहास को, किस तरीके से इतिहास को प्रेजेंट करना है, लिखने की विधि क्या होती है इतिहास को, जो पारंपरिक इतिहास लेखन की विधि थी ना, उसके कई सारे पहलुओं को कन्फ्यूशियसवाद की जो विचारधारा थी उसने इम्पैक्ट किया। अब किस तरीके से इम्पैक्ट करती है उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे देखो, कन्फ्यूशियसवाद के अंदर में शुरू से ही समाज के अंदर में जो कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उसको दूर करने की बात की जा रही थी। समाज के अंदर में सदा व्यवहार, शिष्टाचार, ठीक है, सदाचार के बारे में बात की जा रही थी, ठीक है, न्याय, सत्य के बारे में बात किया जा रहा था। तो उसी के आधार पर किस तरीके से इतिहास को लिखा जा सकता है, इसके बारे में कन्फ्यूशियस धर्म के अंदर में बोला गया। यहाँ पे साफ साफ बोला जाता है कि कन्फ्यूशियसवाद कोई धर्म नहीं है, पर फिर भी लोगों के अंदर में एक आस्था है, आस्था है, एक बिलीव है कि इसको धर्म के तौर पर ट्रीट करते हैं, और इसका एक बहुत बड़ा नंबर है फॉलोअर्स का जो इस धर्म को फॉलो करते हैं, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। एक विचारधारा के तौर पर विकसित हुआ, पर आज एक धर्म के तौर पर चीन के अंदर में माना जाता है, जिसको हम कन्फ्यूशियसवाद बोलते हैं। इसको लोग इसकी पूजा करते, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, इसको धर्म के तौर पे, एक भगवान के तौर पे लेकर आगे बढ़ाया जाता है। मतलब एक मॉरल ड्यूटी है चीन के अंदर में कन्फ्यूशियस बात को जानना, उसको आगे बढ़ना, उसको लेकर चलना, ये चीजें की जाती है। जैसे आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म पढ़ते हो, तो जैन धर्म के अंदर में कुछ शिक्षाएं होती हैं कि इस तरह से नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, कुछ इस तरह से चीजें चलती हैं जैन धर्म के अंदर में। अगर आपने डिटेल से पढ़ रखा है, तो वीडियो मैंने दाइनों पर बना रखा है जैन धर्म के बारे में, वहां पे आप देख सकते हैं। तो सेम उसी तरह से कुछ मॉरल ड्यूटी के बारे में कन्फ्यूशियस बात के अंदर में बात की जाती है कि एक समाज के अंदर में ये मॉरलिटी होनी चाहिए, ये नैतिकता होनी चाहिए, और इसी के आधार पे हमारे समाज का विकास हो सकता है। अगर ये नहीं है समाज के अंदर में, तो समाज के अंदर में कुरीतियां हैं, कमियां हैं, बुराइयां हैं, इसके बारे में बोला जाता है। कन्फ्यूशियसवाद कोई धर्म नहीं है, ये हमें समझ में आ जाता है। इसमें चीन के लोगों का आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपराएं और उस समय के जो सामाजिक राजनीतिक था ना, उसके ऊपर में प्रभाव डालने का कोशिश करता है और उसके द्वारा प्रभाव डाला जाता है। कन्फ्यूशियसवाद को अगर लोग स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तौर पर जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बौद्धिक परंपराएं हैं उसके ऊपर में बल दिया जाता है कि किस तरह से बौद्धिक परंपराएं आपके समाज को सुधारती हैं, उसके बारे में बात की जाती है। और उस टाइम के जो समाज था, किस तरह से राजनीतिक था, उसके ऊपर में गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कन्फ्यूशियसवाद के अनुसार में जो इतिहास है, मानवतावाद को महत्व दिया जाता है कि इतिहास के अंदर में ह्यूमैनिटी कितना इंपॉर्टेंट है। आज के समय में अगर इतिहास के अंदर में जो भी मनुष्य है वो मानवतावाद को फॉलोअप करे कि मानवतावाद होता क्या है, मनुष्य का रोल क्या होना चाहिए, ठीक है, एक आइडियल मनुष्य, जो मतलब एक पूरा प्रॉपर एक तरीका क्या होना चाहिए मनुष्य का जीवन जीने का,
अगर मानवतावाद को फॉलो किया जाए, महत्व दिया जाए, तो समाज सुधर सकता है। तो इसके अंदर में, कन्फ्यूशियसवाद के अंदर में, मानवतावाद के ऊपर में बल दिया गया, ये मानवतावाद का महत्व दिया गया। चीनी इतिहासकार अगर ली के बारे में हम बात करें, तो इतिहास का जो मुख्य केंद्र है, ईश्वर देवी शक्ति का ना होकर मनुष्य की गतिविधियों के अध्ययन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इतिहासकार ली का ये मानना था कि स्टार्टिंग से कई इतिहासकारों ने ये रुख रखा अपना, इतिहासकार का स्टडी, इतिहास को स्टडी करने का, कि वो देवी शक्ति को स्टडी कर रहे हैं, जो प्रकृति है, नेचर है, उसको स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग इतिहासकारों की अलग 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 आइडियोलॉजी थी। तो वहां पे इतिहासकार ली का ये मानना था कि जो इतिहास का मुख्य केंद्र बिंदु ना देवी शक्ति या ईश्वर शक्ति ना होकर मनुष्य की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बिंदु होना चाहिए, कि मनुष्य किस प्रकार से विकसित हुआ, किस प्रकार से आगे बढ़ा, इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि देवी सत्य के द्वारा यहाँ पे ये चीजें हुई, ऐसे हुई, इसको लेकर आगे नहीं करना चाहिए। और मनुष्य अगर केंद्र बिंदु है, तब आप इतिहास को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ये माना था इतिहासकार ली का। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आगे, तो अध्ययन का जो मुख्य विषय यहाँ पे चुना गया, वो मनुष्य को चुना गया, कि अगर हम मनुष्य को स्टडी करते हैं, मानव को स्टडी करते हैं, तब हम इतिहास को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इतिहास में मनुष्य के रहन सहन, पृथ्वी में उसका उद्भव किस तरीके से रहता है, किस तरह से उसका जन्म हुआ, उसका खान पान किस प्रकार का है, व्यापार किस प्रकार का है, धर्म आदि का अध्ययन पे ध्यान केंद्रित किया जाता है इस विचारधारा के अंतर्गत। ली का ये मानना था कि मनुष्य किस प्रकार से विकसित हुआ, उद्भव किस प्रकार से हुआ, रहन सहन किस प्रकार का है, उसका खान पान क्या है, व्यापार किस प्रकार से करता है, उसका धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ, धर्म को किस प्रकार से अध्ययन किया जा सकता है, अगर इन बिंदुओं पर आप स्टडी करते हो, तो जो आपका इतिहास का नजरिया है देखने का, वो मनुष्य केंद्रित हो जाएगा, ये यहाँ पे माना गया। ठीक है, मनुष्य के विषय में कन्फ्यूशियसवाद का ये मानना था कि उसमें इतिहास लेखन को प्रभावित करते हुए चीनी इतिहासकारों को मनुष्य की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। जो चीन के इतिहासकार थे, उनको यहाँ पे मोटिवेट करता है कि किस तरह से मनुष्य के बारे में स्टडी किया जाना चाहिए, जो मनुष्य की गतिविधियां हैं वो उनको किस तरीके से स्टडी किया जाना चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया। अब देखो, कन्फ्यूशियसवाद को अगर आप देखोगे ना, तो इनका जो पूरी आइडियोलॉजी है ना, वो मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं पर अगर आप इस्लाम धर्म को पढ़ते हो, या वो किसी और दूसरे धर्म को पढ़ते हो, वो इस्लाम धर्म की बात करें, या फिर आप भारत के अंदर में जो हिंदू धर्म है उसके बारे में बात करो, तो यहाँ पे जो पूरा आइडियोलॉजी है ना कहीं जो देवी शक्तियों के इर्द गिर्द भी कहीं ना कहीं घूमते हुए आपको दिख जाएगा, कि अल्लाह ने ये बोला, भगवान ने ये बोला, ठीक है, गॉड ये है, इस तरह से चीजें हैं, उसके इर्द गिर्द घूमता है। पर यहाँ पे जब आप कन्फ्यूशियसवाद की बात करते हो, तो चीनी इतिहासकारों का ये मानना रहा, और इन्होंने ये इनका मतलब इम्पैक्ट ये रहा कन्फ्यूशियसवाद का, कि उन्होंने मनुष्य की गतिविधियों को स्टडी करना स्टार्ट किया। गतिविधियों का मतलब ये हुआ कि मनुष्य किस प्रकार से रह रहा है, किस तरह से उसका उद्भव हुआ, किस प्रकार से उसका खान पान है, किस प्रकार से उसका व्यवहार है, किस प्रकार से उसका धर्म है, इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करना, ये चीजें की ओर रुख यहाँ पे किया जाता है। और उसके अध्ययन के लिए यहाँ पे जो इतिहासकार थे, चीनी इतिहासकार थे, वो प्रेरित होते चले जाते हैं। इतिहासकारों ने उनसे प्रेरित होकर लेखन कार्य स्टार्ट किया, और जो उनका लिखने का तरीका था ना, वो मनुष्य आधारित, केंद्रित आधारित यहाँ पे इतिहास लेखन स्टार्ट किया जाता है। आगे मैं बात करूं, तो चीन में जो कन्फ्यूशियसवाद है, वो पहले भी अपने अतीत के प्रति सम्मान का प्रचलन था। यहाँ पे इस बात पर भी जोर दिया गया कि जो आपका पास्ट है, जो आपका अतीत है, उसके प्रति हमें हमेशा सम्मान व्यक्त करना चाहिए, हमेशा अपने मन में एक रिस्पेक्ट होना चाहिए अपने अतीत के प्रति, कि आपका अतीत किस प्रकार का रहा है यहाँ पे। परंतु कन्फ्यूशियसवाद ने इस परंपरा को एक नया आधार दिया। नया आधार क्या था? ली ने माना कि चीन एवं समाज में राजनीतिक, चीन के जो समाज के अंदर में जो राजनीति की बढ़ती हुई अराजकता है और अव्यवस्था है, उसको देखा ली ने। यहाँ पे ली ने ये महसूस किया कि तत्कालीन चीन की अपेक्षा अतीत का चीन ज्यादा उत्तम था। जो आज का चीन है, जो प्राचीन, जो अभी आधुनिक चीन है, जो आज का चीन है, तत्कालीन चीन है, उससे कहीं ज्यादा बेटर था अतीत का चीन। इसका रीजन ये तो क्या था कि अतीत के चीन के अंदर में किस तरह से चीजें विकसित हुई, किस तरह से लोगों का व्यवहार था, किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया। कन्फ्यूशियसवाद के अनुसार इतिहास सिर्फ प्राचीन समय की जानकारी से मानव को अवगत कराता है। अगर आप इतिहास को पढ़ते हो, तो प्राचीन समय में क्या हुआ, किस तरह के कौन से इवेंट हुए, कौन सा इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में अवगत कराता है, ये हमें समझ में आता है। और रियलिटी भी यही है। कन्फ्यूशियसवाद ने भी यही बोला कि जो इतिहास है ना, सिर्फ मनुष्य को प्राचीन समय की जानकारी देता है कि किस तरह की क्या चीज है। एक तरह से जानकारी के साथ साथ में हमें लर्निंग भी देता है। कुछ चीजें इवेंट हुई है, जैसे मान लो अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, चीन के साथ में युद्ध हुआ, तो उसके बाद हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से स्ट्रांग बन सकते हैं, कि इन फ्यूचर अगर इस तरह का वॉर की कंडीशन आती है, जो हमने गलतियां की थी पास्ट के अंदर में, वो हमें दोबारा दोहराना ना पड़े, इसके बारे में हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सेम चीज यहाँ पे बात की जाती है
यहाँ पे तो यहाँ पे कन्फ्यूशियस वाद का ये मानना था कि जो इतिहास है ना हमें सिर्फ प्राचीन समय की जानकारी देता है और मानव मात्र को अवगत नहीं कराता। सिर्फ ये नहीं है कि नॉलेज दे दिया कि आपको किस तरह से क्या चीज है, यहाँ पे अवगत नहीं कराने के साथ साथ में वो क्या करता है कि अतीत के अध्ययन के द्वारा वर्तमान में बहुत कुछ शिक्षा भी मिलता है कि किस तरीके से हमें लर्निंग मिल रही है, समय के साथ में किस चीजें क्या चीज चलती है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। चीनी इतिहास लेखन में इसी तरह का जो वर्तमान शासक थे अधिकारियों का मार्गदर्शन का काम किया जाता है कि किस तरीके से जो वर्तमान के अंदर में शासक थे अधिकारी थे उनके द्वारा लर्निंग मिली, किस तरह से मार्गदर्शन हुआ उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, जैसे जो भी चीन के शासक रहे उन्होंने अपने अतीत से सीखा कि इस वाले शासक ने ये गलती कर रखा था, इस अधिकारी ने ये गलती कर रखा था, तो हमें ये चीज नहीं करना। तो यहाँ पे जो अतीत है, इतिहास है, वो मार्गदर्शन का भी कार्य करता है। आगे मैं बात करूँ तो जो शासकों के कार्य थे, अब यहाँ पे देखो किस तरह के शासक के यहाँ पे कार्य रहे होंगे पास्ट के अंदर में, अतीत के अंदर में, इतिहास में क्या पता चलता है और क्या शिक्षा मिलती है। तो यहाँ पे कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी शासन ने विदेश शासन काल के अंदर में विदेशी आक्रमण हो गया या फिर आंतरिक अशांति फैल गई या कोई भयानक बीमारी आ जाती है तो उसको उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, अतीत से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि उस समय का जो शासक था, पुरुष काल के अंदर में जो शासक था, उस समस्या को निपटाने के लिए उसने क्या किया, इस तरह का प्रबंध किया, उससे हम सीख सकते हैं। अतीत के शासकों की ईमानदारी, कितना ईमानदार थे वो, उनकी वीरता किस प्रकार की थी, कर्तव्य निष्ठा किस प्रकार का था, और इसके जैसे अनेक गुण हमें उनके अंदर में सीखने के लिए मिल जाते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में बात किया जाता है। इतिहासकारों ने अपने लेखों में इसके बारे इसके इस सिद्धांत को अपनाया कि किस तरीके से हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से हम बता सकते हैं। जैसे एक इतिहासकार जब इतिहास को लिखता है ना तो उसका एक रुख भी होता है कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, किस तरीके से चीजों को व्यक्त करना है। तो इतिहासकार ने इसके ऊपर में भी जोर दिया कि किस तरीके से हम अतीत को दिखा सकते हैं, अतीत की जो लर्निंग है उसको दिखा सकते हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे चल रही है तो इसके अंदर में ये चीजें रही होंगी। साथ साथ में यहाँ पे कोई सम्राट है या राजशाही सत्ता है वो किस प्रकार से आई होगी, किस प्रकार से सत्ता अब बना होगा, इसके बारे में हम सीखते हैं। परंतु उनको हर वक्त कन्फ्यूशियस वाद के कुछ व्यक्तिगत जो व्यवस्थित नियमों का पालन करना हो अब करने की आवश्यकता रहती है। जो कन्फ्यूशियस वाद है, जिस तरह से प्रेजेंट करता है लोगों को, जो विचारधारा किस तरह से दिखाती है, मनुष्य को किस तरह से केंद्रित लेके चलती करती है, इसको हमें हमेशा फॉलोअप करने की जरूरत रहती है, ये यहाँ पे बोला जाता है। इतिहासकारों ने इस तरह लेखन करना पड़ा और जिससे वर्तमान के शासक थे उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी, जो आज के शासक हैं उनके लिए भी लर्निंग यहाँ पर मिल जाती है कि किस तरीके से उनको आगे रेगुलेशन करना है, रूल करना है, इसके बारे में उन्हें समझ में आता है, उनके लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल रहता है। आगे मैं बात करूँ तो कन्फ्यूशियस वाद के अनुसार में समाज के कल्याण और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नैतिकता आवश्यक है। ठीक है, नैतिकता जो है ना, मॉरलिटी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये माना गया। मनुष्य स्वभाव से अच्छे होते हैं परंतु उनको जो शिक्षा होती है उन्हीं के जरिए उनके सही गुणों का विकास करने की आवश्यकता होती है। जो एक अच्छा गुण है वो किस तरह से विकसित हो सकता है उसके बारे में बात किया जाता है। वो सही और गलत का फैसला कर सकते हैं कि किस तरीके से सही है क्या गलत है उसके बारे में वो बात कर सकते हैं। नैतिकता का जो सिद्धांत होता है कन्फ्यूशियस वाद के अनुसार दिया गया कि नैतिकता बहुत जरूरी है मनुष्य के अंदर में, एक इतिहासकार के अंदर में, कि हम नैतिकता के आधार पर बात करें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उसका जो प्रभाव है वर्तमान के सत्ता का कार्य कर रहे शासकों के ऊपर में पड़ता है कि किस तरह के क्या शासक है, किस तरह से रूल रेविजन कर रहा है उसके ऊपर में भी यहाँ पे इस विचारधारा का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। इतिहास लेखन के अंदर में नैतिकता के ऊपर में बल दिया गया, जो इतिहास लिखने की विधि थी उसके अंदर में नैतिकता के ऊपर में बात किया गया। कन्फ्यूशियस वाद के अंदर में मनुष्य के साथ साथ में समाज की अनेक व्यवस्थाओं और विषय के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए यहाँ पे कहा जाता है कि मनुष्य के साथ समाज के अन्य पहलुओं को भी लिखा जाना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि ना जो इतिहास लिखा जा रहा था सिर्फ मनुष्य को ही लिखा जाए, मनुष्य को टारगेट करके लिखा जाए, मनुष्य के इर्द गिर्द बाकी जो चीजें हो रही है ना, जो बाकी इवेंट हो रहे हैं, किस तरह से वो इवेंट सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं उसको भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया जाना चाहिए, ये भी यहाँ पर बोला गया। साथ साथ में कन्फ्यूशियस वाद ने इन इतिहासों को, इन सिद्धांतों को पारंपरिकतावाद के आधार पर और इतिहासकारों ने अपने लेखन में अपनाया, जिसे चीनी इतिहास लेखन के दस्ता लेखन के अंदर में भी मिलता है। और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा ना इस वीडियो का, उसमें हम इसके इसलिए हम बात करेंगे चीनी इतिहास लेखन के बारे में। यहाँ पे हमने चीन के अंदर में जो एक विचारधारा है कन्फ्यूशियस वाद उसके बारे में बात किया, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा ना उसमें हम चीनी इतिहास लेखन के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा, बट रिक्वेस्ट यही रहेगा आप सभी व्यूअर से, अगर हमारी वीडियो आपको वैल्यूबल लग रही है, आपको कुछ लर्निंग मिल रहा है यहाँ से, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। दैनब का जो हमारा परिवार है वो 60,000 का हो चुका है,
जल्दी से जल्दी इसको 1 लाख के करीब में पहुंचाएं, क्योंकि जितना बड़ा हमारे परिवार होगा हम उतने ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे, उतने ज़्यादा लोगों से जुड़े हुए फील करेंगे और आपके लिए अच्छी वीडियोस हम लेकर आ पाएंगे और अच्छी वीडियो बना पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जितने भी व्यूवर्स अभी हमें देख रहे हैं अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और साथ ही साथ हमारे चैनल द इन अप को और नव इन्फो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो परिवार है वो धीरे धीरे बड़ा हो सके। अगर आपको एमए हिस्ट्री का नोट्स चाहिए तो डायरेक्टली आप गूगल ब्लॉगर पर जा सकते हो, वहाँ से आप एमए हिस्ट्री का नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो एंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।